अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़े के चिकन छोले बनाने सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़ायकेदार हैं। आप फ्लेम ऑन कर लें, फ्लेम में आप हाफ कप ऑयल ले लें और इसके बाद एक छोटा सा प्याज डाल दें इसमें, जो छोटा प्याज हो, और कट करके अब आप इसको ब्राउन कर लें। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सुनहरी रखना है। और ये देखिए मसाले, मैंने चने बॉईल कर लिए थे और ये टोमेटोज़ ले लिए मैंने दो, और चिकन ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और साबुत गरम मसाले, और मैंने क्रश चिली ली है, हल्दी, नमक और ज़ीरा। अब ये देखें प्याज आप ब्राउन हो गए, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, और साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया। और डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और फिर इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दिए। अब टोमेटोज़ ऐड करके मैंने टोमेटोज़ के साथ इसको मिक्स किया ताकि नरम हो जाए, और ये जो मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया था, लौंग, साबुत लाल, साबुत काली मिर्च और ये दालचीनी, ये आप रख दें। और साथ में थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया लिया था, वो थोड़ा बारीक, बहुत बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा पीस लिया मैंने उसको। अब इसमें मैंने ज़ीरा, हल्दी और कुटी मिर्च और नमक ऐड कर दिया मसाले में। जब मेरे टमाटर बिल्कुल देखें मिक्स हो गए तो मैंने ये मसाले जब ऐड कर दिए हैं इसमें, और जो मैंने चने जब मिक्स हो गए तो मैंने बॉयल चने भी इसमें ऐड कर दिए। अब ये देखें बॉयल कर चने मिक्स किए, कितना अच्छा लग रहा है। ये चने तो पहले ही मैं गला चुकी थी, और बस मैंने इसको चिकन को भूनने के बाद, ये सब मिक्स करने के बाद, मैंने दम पे रखने से पहले जो मैंने धनिया लिया था उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था मोटा सा, और इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी, वो धनिया डाल दिया मैंने, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा हिला के दम पे रख दिया ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। आप बेशक 2 या 3 मिनट के लिए दम पे रख दें, तो क्योंकि चिकन भी जल्दी गल जाती है, भूनने में ही गल जाती है, और फिर साथ में चने तो ऑलरेडी गले हुए हैं इसमें, हमने पहले ही बॉईल कर लिए हैं वो तो। और ये देखें बिल्कुल तैयार हैं, कितने मज़ेदार हैं, और आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी हैं। आप नान से खाएं, घर की रोटी, पराठे, जिससे भी खाएं, और प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। काइंडली आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा ज़ायकेदार है। चलिए अपना